मॉर्निंग किड्स, आज हम इंग्लिश का सब्जेक्ट लर्न करेंगे. ओके, लास्ट में हमने इंग्लिश में क्या किया था? जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मोल्स एंड मंकीज. सो लास्ट में हमने मोल्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट जो हमारा पेज नंबर 7 में हमने पूरा कर दिया था. अब पेज नंबर 8 पर हम थे. सो हमारे पास है रोआल्ड डहल का एक चैप्टर, एक लेसन है हमारे पास, जिसके ऑथर है रोआल्ड डहल. सो हमें मंकीज एंड मोल्स के बारे में जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं. सो हमने मोल्स के बारे में फर्स्ट हमने देखा था 7 पेज पर. अब हम 8 पेज पर थे. वी वेर ऑन पेज नंबर 8. अ मोल कैन डिग अबाउट 3 feet ऑफ टनल इन एन आवर. नो अदर मोल्स गो इन टू द टनल दैट इट डिग्स. अ मोल लाइक्स टू लीव अलोन. सो हमने आगे पढ़ा था मोल के नेचर के बारे में, कि मोल कैसा होता है, शाय होता है नेचर में. सो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार, वो मोल कैसा एनिमल है? शाय एनिमल है. फिर वो टाइनी होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के फर्स होते हैं. और वो क्या करता है? टनल जो है वो डिग करता है, यानी टनल खोदता है ज़मीन में से, एंड जो मिट्टी जो निकलती है वो उसे साइड में रखता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? मोल हील्स. सो मोल क्या करता है? मोल कैन डिग अबाउट 3 feet ऑफ टनल इन एन आवर. सो एक आवर में, यानी एक घंटे में, मोल 3 feet तक की टनल जो है वो खोद सकता है. नो अदर मोल्स गो इन टू द टनल सेट इन डिग्स. सो एक मोल जो है, जिसने टनल खोदी है, वो मोल ही उस टनल में जा सकता है. दूसरा जो मोल है वो नहीं जा सकता. मोल लाइक्स टू लीव अलोन. मोल जो है वो कैसे होते हैं? शाय. सो उसे अकेला रहना ही पसंद है. ही ट्रोट्स अप एंड डाउन द टनल्स डे एंड नाइट सर्चिंग फॉर फूड. ट्रोट्स यानी मूव्स एट अ स्टेडी पेस दैट इज फास्टर देन अ वॉक, यानी कोई भी एक जगह पर जल्दी से मूव करना, वॉक नहीं करना पर वॉक से भी ज़्यादा, यानी रन करना, जल्दी से ऊपर नीचे रन करना. सो वो क्या करता है? फूड के लिए वो, उसे फूड सर्च करना पड़ता है, इसलिए वो टनल्स में ऊपर से नीचे जल्दी से रन करता है. ही ईट्स मोस्टली वर्म्स. द फैंटास्टिक थिंग इज दैट ही एक्चुअली हैज टू ईट 1/2 ऑफ हिज ओन बॉडी वेट ऑफ दिस टाइनी क्रीचर्स एवरी डे इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव. सो वो क्या खाता है? ही ईट्स मोस्टली वर्म्स, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स या वर्म्स जो होते हैं वो मोल जो है वो मोल होता है वो ये खाता है. द फैंटास्टिक थिंग दैट, इसके बारे में एक मज़ेदार चीज़ क्या है मोल्स के बारे में, कि उसे क्या करना पड़ता है? अपने बॉडी वेट का हाफ जो फूड होता है वो उसे खाना पड़ता है. जितने जितने वेट का वो होता है उसका हाफ वेट का उसे फूड खाना पड़ता है, तभी वो जिंदा रह सकता है. इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव. नो वंडर ही इज़ अ बिजी फेलो. जस्ट इमेजिन हाउ मच फूड यू वुड हैव टू ईट टू कंज्यूम हाफ योर ओन बॉडी वेट. सो उसे हमेशा सर्च करना पड़ता है फूड को, क्योंकि अगर वो अपने बॉडी का जो वेट है उससे हाफ वेट का वो फूड नहीं खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा. सो उसे हमेशा फूड के लिए सर्च करना पड़ता है, इसीलिए वो क्या है? बिजी फेलो. अगर आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आपको भी अपने बॉडी वेट का हाफ जो है वो वेट का खाना पड़ेगा, तो क्या होगा? आपको भी हमेशा फूड के लिए सर्च करना पड़ेगा. आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आपको भी मोल के जैसा आपको होगा, कि आपको भी खाना जो है अपने बॉडी के हाफ ऑफ द वेट का खाना पड़ेगा, तो क्या होगा? बींग अ गार्डनर माई सेल्फ आई नो दैट द मोल इज़ माई फ्रेंड बिकॉज ही ईट्स ऑल द हॉरिड पेस्ट दैट डैमेज अवर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. सो रोआल्ड डहल है जो, वो क्या बोलते हैं? बींग अ गार्डनर. जो हमारे ऑथर है रोआल्ड डहल, वो क्या है? एक गार्डनर है, इसलिए उसे पता होगा कि अपने गार्डन में वो देखभाल करते होंगे, तो उनको पता होगा कि कौन से एनिमल्स है वो गार्डन को हार्म करते हैं, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को, और कौन से नहीं करते. सो वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मोल वो क्या है? मेरा दोस्त है. क्यों? बिकॉज ही ईट्स ऑल द हॉरिड पेस्ट्स दैट डैमेज अवर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. सो वो सभी हॉरिड यानी अनप्लीजेंट. सो वो सभी ऐसी हॉरिड यानी जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को नुकसान करती है, हार्म पहुंचाती है, ऐसी सभी पेस्ट को वो क्या करता है? खा जाता है. यानी जो हमने बोला ना, आगे देखा ना कि मोल्स क्या करते हैं?
इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सो जो इंसेक्ट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हार्म करती है उसे वो मोल खा जाता है, इसलिए वो क्या हुआ, हमारा दोस्त हुआ। अ लॉट ऑफ कंट्री पीपल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट रीड ऑफ द पुअर मोल्स बिकॉज ऑफ द मोल हिल्स दे मेक। सो कई लोग जो होते हैं वो मोल्स को मार देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, मोल हिल्स बनाता है, वो टनल खोदता है तो उसकी मिट्टी जो होती है वो साइड में रख कर उसका ढेर लगाता है। सो उसे हम मोल हिल बुलाते हैं। सो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। दे किल देम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रूल वेज यूजिंग ट्रैप्स एंड पॉइजन और इवन पॉइजनस गैस। सो वो मोल हिल्स की वजह से वो लोग क्या करते हैं, मोल्स को कई तरीके से, खतरनाक तरीके से मार देते हैं। कई बार ट्रैप्स लगाते हैं तो कई बार पॉइजन्स यानी जहर देकर मार देते हैं। बट आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ गेटिंग अ मोल टू लीव योर गार्डन और योर फील्ड। मोल्स डू नॉट लाइक नॉइजेस ऑफ एनी सॉर्ट। बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो हमारे ऑथर कहते हैं, ऑथर है वो कह रहे हैं रोवाल्ड डेहल, कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप मोल जो है वो आपका गार्डन छोड़ के चला जाएगा। मोल्स डू नॉट लाइक नॉइज ऑफ एनी सॉर्ट। मोल से उसे कोई भी कुछ भी तरीके की आवाज़ उसे पसंद नहीं है। इट मेक्स देम इवन मोर नर्वस देन दे ऑलरेडी आर। वो उसे क्या कर देते हैं, नर्वस बना देते हैं। सो वेन आई सी अ मोल हिल इन द गार्डन आई गेट एन एम्प्टी बॉटल एंड बरी इट इन द ग्राउंड क्लोज टू द मोल हिल। सो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं मोल हिल देखता हूँ गार्डन में जो मिट्टी खोदी हुई होती है मोल्स ने वो मैं देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी बॉटल लेता हूँ एंड जो जहाँ पर मोल हिल होता है उसके ही साइड में मैं वो एम्प्टी बॉटल रख देता हूँ, लिविंग ओनली द नेक ऑफ द बॉटल स्टिकिंग अप। सो अंदर बरी कर देता हूँ यानी अंदर ज़मीन में गाड़ देता हूँ, सिर्फ बॉटल का जो ऊपर का कैप है वही दिखे, यानी ऊपर का जो नेक है वो दिखे, इसी तरह से मैं उसे ज़मीन में गाड़ देता हूँ। When the wind blows across the open top of the bottle, it makes a soft humming sound. जब जो ठंडी हवा आती है तो उससे क्या होता है, जो बोतल हमारी खुली हुई होती है उसमें आवाज़ आती है, क्योंकि जो हवा उसके थ्रू पास होती है सो उसकी वजह से उसमें से सॉफ्ट आवाज़ आती है। This goes on all day and night because there is almost always some sort of breeze blowing. सो ये पूरी रात चलता है क्योंकि थोड़ी ना थोड़ी हवा तो आती ही रहती है गार्डन में। द कॉन्स्टेंट नॉइज जस्ट अबाउ हिज टनल ड्राइव्स द मोल हाफ क्रेजी एंड ही वेरी सून पैक्स अप एंड गो समवेयर एल्स। सो ये लगातार जो आवाज़ आती है बोतल में से, वाइंड जो है वो पास होती है, हवा जो है वो चलती है पूरी रात, सो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, सो इसकी वजह से जो मोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इससे वो क्या करता है, अपना सब वो जो है खाना जो फाइंड करने वो आया है वो सब छोड़कर वो चला जाता है, कोई दूसरी जगह पर चला जाता है, क्योंकि जो कांस्टेंट जो लगातार आवाज़ आती है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज़ नॉट अ जोक, इट रियली वर्क्स, आई हैव डन इट ऑफन। जो हमारे ऑथर है रोवाल्ड डेहल वो क्या बोलते हैं कि ये जोक नहीं है, मैंने ये कई बार किया है, क्योंकि वो गार्डनर है तो वो कई तरीके आजमाते हैं, सो उन्होंने ये एक तरीका आजमाया होगा इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये काम करता है। सो इस तरीके से आप जो मोल से उनको नुकसान किए बिना उनको भगा सकते हैं।